नदी में डूबी 30 स्कूली बच्चों से भरी नाव, कई अभी भी लापता, जारी है रेस्क्यू। बिहार के मुजफ्फरपुर में गुरुवार को बड़ा हादसा हुआ, जहां 30 स्कूली बच्चों से भरी नाव बागमती नदी में डूब गई। इस हादसे का शिकार हुए 20 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन कई छात्र अभी भी लापता हैं और उन्हें बचाने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये हादसा बेनीबाद ओपी स्थित मधुरपट्टी घाट के पास का बताया जा रहा है। एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि करीब 10 बजे गांव के बच्चे नाव पर सवार होकर स्कूल जा रहे थे और उसमें कुछ महिलाएं भी सवार थीं। हादसे की वजह अचानक नाव की रस्सी टूटने को बताया गया। मिली जानकारी के मुताबिक नाव की रस्सी टूटने से नाव का संतुलन बिगड़ा, जिस वजह से वो पलट गई। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इस हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि इस हादसे पर डीएम से बातचीत हुई है और वो मामले पर नजर रख रहे हैं। सीएम नीतीश ने पीड़ितों की हर संभव सहायता करने का आश्वासन दिया है। ऐसे ही पल पल की छोटी बड़ी और देश विदेश के खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें। यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी बटन दबाकर अल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि पल पल की खबर आप तक पहुंचे। जानकारी हासिल करने के लिए धन्यवाद।